रुके प्लीज। करूँ ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर, ओ क्या करूँ ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर, हुजूर हुजूर मैं हूँ आदत। स्वागत तो करो हमारा। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज सैम द ऑफिशियल। यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनी है क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, आप सभी को पता है। तो यार ग्रीटिंग कार्ड बांटना तो मेरा फर्ज ही था, ठीक है। तो लड़कियों को मैंने ग्रीटिंग कार्ड बांटे हैं और उनसे यार ग्रीटिंग कार्ड बांटते बांटते मुझे नंबर तो मिल ही गए और साथ में जो है मुझे मिल गई किसेस। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। मिलता हूँ वीडियो के बाद। थोड़ा जोर से बोले यार। I'm fine. क्या नाम है आपका? प्राची। वेरी नाइस मैम। मेरा नाम नहीं पूछोगे आप? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम, वैसे तो मेरे फ्रेंड्स मुझे मजनू कह के बुलाते हैं। आप क्या किसी बोल सकते हो, बीबी बाबू कुछ भी? सीरियसली मजनू? हाँ सीरियसली, और क्या पता, बहुत बड़ा आशिक हूँ मैं, वो तो आपको पता लग ही जाएगा बाद में। अच्छा वैसे क्या, किस चीज़ के आशिक? आपके प्यार के, आपके हुस्न के, मैं तो दीवाना हो गया। जैसे मैंने आपको देखा ना, एक्चुअली मैं जो है ना उस तरफ से जा रहा था तो सडनली मेरी जो है ना चील की निगाह है, 1 किलोमीटर दूर से देखा यार कोई तो बैठा है यार जो मेरे टाइप का है, तो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग। ठीक है, वैसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आप। आपने जो है ना वहीं से ही घायल कर दिया मुझे, अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा लग रहा मुझे। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो एक्सक्यूज मी, हाय माय नेम इज सैम। क्या नाम है आपका? जूबिया। थोड़ा तेज बोलो, एक्चुअली मुझे सुनाई जो है ना थोड़ी सी कम आती है। वैसे आप जो है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो यहाँ पर बैठे हुए। थैंक यू। तो एक्चुअली यार तो मुझे यार थोड़ा सा कुछ खरीदना पड़ेगा आप जैसे गुलाब के लिए, बट आपसे तो कम हूँ ना, एक्चुअली आप इस प्यारे से गुलाब के लिए छोटा सा तोहफा कबूल करें। सच्ची में? हाँ सच्ची में, ये आपके लिए मतलब अभी भी लिया है मैंने, पता है। वैसे तो ये 20 रुपीज़ का है लेकिन मैं अपने हाथों से दे रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा अनमोल है, प्लीज़ टेक इट, वेरी नाइस। वैसे क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? कुछ नहीं, मैं बस बैठी हुई थी, अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। अच्छा फ्रेंड का वेट कर रहे हो? अच्छा जो मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह है आपका? नहीं है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि यार देखो आप भी सिंगल मैं भी सिंगल, एक्चुअली अभी अभी सिंगल हुआ हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ ये देख रहे हो, कुछ दिखाता हूँ मैं। ग्रीटिंग कार्ड है जो कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेकर आया था, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया। हाँ अभी बिल्कुल जस्ट अभी। तो प्रॉब्लम ये हुई, देखो छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से ब्रेकअप कर लेते हैं लड़कियाँ, फिर बाद में उन्हें एहसास होता है तब तक यार हम किसी और को पसंद करने लगते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड भी बिल्कुल आपके जैसी थी, बट अब मैं उससे ब्रेकअप कर चुका हूँ, तो इफ़ यू डोंट माइंड। मेरी बहन तो नहीं थी? हो सकता है, क्या पता आप ही हो, फर्स्ट और लास्ट। हो सकता है ना, तो एक्चुअली ऐसा है, मैं आप जैसे प्यार से गुलाब के लिए एक प्यारा सा गुलाब वाला ग्रीटिंग कार्ड भी लेकर आया हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ टेक इट। इसके अंदर पता है मैंने अपने दिल के जज्बात लिखे हैं। अच्छा भाई देखो क्या कर रहे हो यहाँ पर? बस प्राची बैठे थे अकेले। पता है यहाँ पर अकेले नहीं बैठना चाहिए। क्यों? कोई भी यार चोरी करके ले आ सकता है, मुझे तो चलते कोई चीज़ नहीं है, चोरी करके ले जाएगा यार वो तो ठीक है, लेकिन आपने मेरा दिल चुरा लिया ना, ऐसे किसी ने आपका दिल चुरा लिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा सच में। एक्चुअली यार मैं जो है ना आपके लिए एक छोटी चीज़ लेकर आया था, तो ये आपके लिए, पता है क्या ये क्या है? आप खुद ही देख लो। ग्रीटिंग कार्ड नहीं है, मेरा प्यार है आपके लिए, देखो सही है क्या इसके अंदर? हाँ और क्या, सीरियसली नाइस ना, सीरियसली मेरे लिए? हाँ सीरियसली नाइस तो है, लेकिन ये आपसे कम नाइस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ना प्रैंक कर रहे हो? प्रैंक कर रहा हूँ? नहीं यार, ना मैं प्रैंक करता ना मैं फ्लर्ट करता, ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए जो कि डायरेक्ट दिल से निकल के आ रहा है। इसके अंदर मैंने शेर भी लिख दिया हैंड टू हैंड आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। ओ मैडम का जलवाली मुझे ना समझ मवाली। और क्या, पढ़ के सुना दो एक बार, चलो मैं पढ़ के सुना तो लाओ। अगर सुना
वही तो अभी मन में जो आया ना वही लिख दिया मैंने, जो फीलिंग को समझना। अगर तुम ना होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता, ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। या व्हाई नॉट, या फिर मैं पढ़ के सुनाऊं आपको? आप सुना दो, ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर रहेगा। हुस्न और खुशबू का शबाब हो तुम, ठीक है आप लग भी रहो, ठीक है आपका काफ़ी मैच कर रहा है मुझसे ही, ब्लैक और रेड भी, गुलाब भी, ठीक है। हुस्न और खुशबू का शबाब हो तुम, ऐसा खिलता हुआ गुलाब हो तुम, तुम जैसा हसीन ना होगा इस जहां में, तमाम हसीनों से लाजवाब हो तुम। मतलब ये अभी अभी लिखा था मैंने, पता है मेरी दिल की लाइन थी सच में, तो प्लीज़ चेक इट। मम्मी ने पढ़ाई मम्मी ने? नहीं नहीं, ये तो ये गॉड गिफ्ट है, ठीक है, बचपन से टैलेंटेड हूँ लेकिन कभी घमंड नहीं किया। तो इफ करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए ना। तो इफ डोंट वांट कैन वी बी GFBF? इतनी जल्दी क्या? देखो आज के टाइम में देखो 4G आ गया, धीरे धीरे 5G भी आ जाएगा, तो हमें भी तो थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा ना। बट आप कैसे मनाओगे? कैसे मनाओगे? देखो आपके लिए तारे तोड़ के ला सकता हूँ, चांद तोड़ के नहीं ला सकता, क्योंकि चांद तो आप ही हो ना। मतलब बहुत जल्दी, मतलब आप समझ गए, काफ़ी होशियार हो आप। अच्छा टैलेंटेड हो, तो अब देखो इस मल्टी टैलेंटेड बॉय को भी मतलब एक बार प्यार की नज़र से देख लो और हाँ कर दो। तो कैन आई गेट योर नंबर इफ यू डोंट माइंड? थैंक यू सो मच। इतनी आसानी से लड़कियाँ मान जाती हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था यार। मैं बहुत शरीफ हूँ ना। अच्छा मैं बहुत शरीफ हूँ ना। अच्छा तो मतलब मैं आपको किस टाइप का लग रहा हूँ? प्लीज चेक इट। मैंने किसी का कॉपी नहीं करा, मैं जो भी बनाता हूँ ना अपना खुद का बनाता हूँ, तो इसलिए मैं आज आपको बनाने आया हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी लाइफ, अपना सब कुछ। पर आप तो मुझे जानते भी नहीं हो। जब भी तो आया हूँ मैं जान पहचान करने के लिए, उसके बाद तो हम आगे बढ़ेंगे ना। ऐसे जान पहचान और कैसे करते हैं? ये तो फिलहाल आपके लिए, आप इसे रखो, ठीक है। तो अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं? ऐसे कैसे बन सकते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? तो क्या बनना चाहोगे? आओ एक काम करते हैं, डाइट चलते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। ऐसे और कैसे कोर्ट मैरिज कर लोगे? जैसे सब करते हैं वैसे कर लेंगे, या घर से भाग के शादी कर लेंगे। भैया इतनी क्यूट सी, ये भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता है क्यों? क्योंकि हम उड़ के चलेंगे ना, बिकॉज यू आर एंजल। तो कैन आई गेट योर नंबर डोंट माइंड प्लीज़? यार देखो आपको जानती नहीं, जानते नहीं, जब तुम जान पहचान आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, आप मुझे नंबर दे दो। इतना बुरा लड़का नहीं हूँ, बहुत अच्छा लड़का हूँ, संस्कारी हूँ, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम शादी करेंगे, फिर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, एक का नाम चिंकी होगा, एक का नाम चिंटू होगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ रियली वेरी नाइस। देखो अब जो है ना रिप्लाई कर देना आप, ठीक है, मैंने नंबर सेव कर लेता हूँ। क्या नाम बताया था आपने? प्राची। प्राची, सच में रियल नाम है, इतना सोच के बता रहे हो आप? नहीं नहीं, प्राची प्राची, सच में ना? हाँ सच में। चलो ठीक है, अब यार हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बन ही गए हैं, अब मेरा जो है ना जल्दी, अभी तो आपने बोला कि अच्छा अच्छा जान पहचान, तो फिर तो बन ही आएंगे ना शायद। शायद लेकिन मुझे अपने ऊपर यकीन है ना, 100% बन जाएंगे, मैं बना लूँगा, जिसमें किसी तरीके से आपको इम्प्रेस कर ही दूँगा। लेकिन अगर मैं एक छोटी सी विश है मेरी, वो पूरी कर सकती हूँ? ज़्यादा बड़ी नहीं है, कैन यू किस मी? आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी रहो। तो बन जाओगी ना, देखो फ्यूचर गर्लफ्रेंड तो हो ना। तो बन जाऊंगी तब करूंगी। तो अभी शुरुआत तो कर देते ना। अच्छा चलो एक काम करो, लिप किस मत करो, चिक पे तो किस कर सकते हो छोटा सा, प्लीज़। यार दिल की ख्वाहिश है मेरी, आज तक जो है कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी यार। अब मैं कुछ पहली बार मिली है। झूठ बोल रहे हो। नहीं सच्ची में यार, तुम आज मान वर्जिन हूँ मैं अभी तक। बात नहीं करा, चेक कर लेना। तो प्लीज़ यार छोटी सी, फिर मैं पक्का यहाँ से जो है ना चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली जाना है कहीं पर, ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ। प्लीज़ आर यू सीरियस? या आई एम सीरियस, प्लीज़ जस्ट डू इट एंड देन आई विल गो, बिकॉज आई एम गेटिंग लेट एंड आई ऑलरेडी गिव यू माई हार्ट इन दिस कार्ड, प्लीज़। वेरी नाइस। तो मिले हम फिर डेट पे नेक्स्ट टाइम,
आपका क्या नाम था आपका? प्राची, ठीक है प्राची, थैंक यू सो मच, ठीक है मिलते हैं फिर। सच में आपका ही नंबर है ना, तो फिर हम बातें करेंगे रात में, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिर रात बाद जाएंगे, दिन में नहीं कर सकते? दिन में भी करेंगे, रात में करेंगे, फिर हमारी आगे शादी होगी, बच्चे होंगे, ठीक है ना? एक का नाम गुलू है, एक का नाम मोनू है। मेरे पेरेंट्स नहीं माने, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना लूँगा ना। ये काम मेरे पर छोड़ दो यार, मल्टी टैलेंटेड हूँ, देखो मैंने बोला ना शुरू से, ठीक है ना? तो फिर हम मिले फिर। वैसे आप बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो, लुकिंग वेरी नाइस, तो मिलते हैं फिर। सच में या फिर ऐसे? मजाक नहीं कर रहा, सच में बहुत अच्छी लग रही हो कसम से। अगर अगर आप अभी मेरे जीव बनने के लिए हाँ कर दो ना, तो ना वे कहीं किसी Ready? I am ready. So, what you have proved to you are my GF. So, if you don't mind, can I kiss you on your cheek? कोई दिक्कत नहीं है, मैं फास्ट हूँ। देखो नेट को किसने बनाया? इंसान ने ना? मैं क्यों बनाता? इंसान ने बनाया। सो कैन आई गेट दैट लिटिल बिट ऑन माई चीक इफ यू डोंट माइंड प्लीज? इतना क्वेश्चन हो यार, सीरियसली ओके प्लीज। लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर, हो क्या करूँ ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर, हुजूर हुजूर मैं हूँ आदत। वेरी नाइस यार, मार्क तो नहीं देगा। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? फिर क्या नाम बताया आपने? सुबिया। सुबिया, वेरी नाइस मैम, ठीक है मिलते हैं। देखो बात करेंगे, ये तो आपके लिए, ये तो आप ले लो, ठीक है मिलते हैं फिर, बाय। अब क्या गले मिल गया होगी क्या? इज योर विश, बाय बाय। No, 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 no. मन नहीं कर रहा मेरा जाने का, पता है क्यों? टाइम एकदम थम सा गया, सब कुछ रुक सा गया। मैं सोच रहा हूँ ये लम्हा यही रुक जाए, ये धरती ही रुक जाए, आसमान सब कुछ रुक जाए, बस हम दोनों चलते रहे। मगर अभी तो आप बोल रहे थे कि आपको जाना है कहीं। अब नहीं आना ना, अब आपको साथ लेके आना है, साथ फेरे लेने हैं, और साथ हर जगह साथ जाना, नर्क में भी साथ जाना, स्वर्ग में भी साथ जाना, हर जगह। पहले जान तो लो यार, जान तो तुमने ले ली ना। अच्छा एक चीज़ बताना आया था मैं आपको, एक्चुअली यार वी आर शूटिंग अ लिटिल कॉमेडी वीडियो, देयर इज अ कैमरा, मजाक था ये। फ्लड कर रहा था, लेकिन जो भी कॉम्प्लीमेंट था ना वो आपके लिए बिल्कुल सही था, तो प्लीज से हाय एक बार कोई देयर इज अ कैमरा। छोटा मतलब जो बातें बोलती ना, वाकई आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब प्रीटी हो, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आपको? हाय हेलो, गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा और लड़की कौन सी अच्छी लगी आप लोगों को ये भी बता देना कमेंट करके, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर लेना, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, और ऐसे ही मोर कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।